टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विरार पश्चिम स्थित एवेन्यू ग्लोबल सिटी डीविंग में मंदिर तोड़ने पहुंचे मनपा कर्मचारी, सोसाइटी वासियों में आक्रोश। विरार पश्चिम स्थित एवेन्यू ग्लोबल सिटी डी विंग के अंदर भगवान शिव का एक छोटा मंदिर तोड़ने की कोशिश करने का मुद्दा सामने आया। मंदिर तोड़ने के लिए महानगर पालिका की गाड़ी सोसाइटी के अंदर आती है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। हालांकि सोसाइटी वालों के कहने पर वह पुनः लौट जाते हैं, पर हैरत की बात तो ये देखिए कि जिस दिन मंदिर तोड़ने के लिए सोसाइटी का ही एक पदाधिकारी पत्र डालता है, उसी दिन मनपा की गाड़ी भी आ जाती है। कौन और आखिर क्यों मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, आप ही सुनिए सोसाइटी वालों की जुबानी। पांडे जी, सोसाइटी का नाम क्या है? एवेन्यू डी फेज 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे एक जो मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं आप, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। इसको एक धर्म का जो हमारे प्रतीक है, इसको तोड़ने के लिए जो भी हमारे जो यहाँ का रहवासी भी नहीं है, पूरे ग्लोबल सिटी का भी नहीं है, जो कि बशीर शेख है, जो इस मंदिर को तोड़ने के लिए, जिसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, वो इस चीज को तोड़ने क्यों आया था, क्या करने आया था, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे तोड़ने के लिए कौन आया था? बशीर शेख, जो कि यहाँ के सेक्रेटरी हैं मनोज मौर्या, उनके हेल्प के साथ जो आए थे इसको तोड़ने के लिए आए थे। पूरा महानगर पालिका की गाड़ी लेके आए थे। अच्छा। इसका हमारे पास पूरा प्रूफ है, गाड़ी नंबर भी है और वीडियो भी है हमारे पास, वो हम आपको दिखा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मनपा अधिकारियों ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपने कुछ मनपा अधिकारियों ने नहीं भेजा था, क्योंकि हमने भी बात किया था, क्योंकि जो बशीर शेख है उन्होंने अपना जो उनका पहचान है पुलिस में या वीवीएमसी में, जहाँ पे भी है, उन्होंने अपने पहचान के थ्रू जो भी दे के लाया था, पैसा दे के वो लेके आए थे, उसको तोड़ने के लिए आए थे। ये बशीर शेख है कौन? ये यहाँ का तो है ही नहीं, वेस्ट का, पूरे ग्लोबल सिटी का, ये रहता है ईस्ट में है, ठीक है। वहाँ पे जो भी चाल बनाता हो या कुछ भी बनाता हो, वो हमको भी पता नहीं है। हमको भी पता चला है चाल बनाता है, क्या बनाता है, उसका वीवीएमसी में पुलिस में पहचान है, जिस वजह से पुलिस वाले उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे या वीवीएमसी वाले एक्शन नहीं ले रहे। इस सोसाइटी में कितने मेंबर रहते होंगे? 475 मेंबर्स हैं। इनमें से कोई ऐसा मेंबर है जिसको कि इस मंदिर से कोई ऐतराज है? किसी भी मेंबर्स को कोई ऐतराज नहीं है। निजी तौर पर इस मंदिर ने किसी का कुछ नुकसान किया है? कुछ नुकसान नहीं किया, आप देख सकते हैं, आप कैमरा भी दिखा सकते हैं, पूरे एकदम मंदिर एकदम बहुत कोने में बना हुआ है, जिससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, या किसी का कुछ प्रॉब्लम ले रहा हो या किसी का कोई स्पेस ले रहा हो। इस मंदिर से किसी को कोई ऐतराज है? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। बेसिकली क्या है, कॉर्नर में है। और यहाँ हम मतलब देखोगे सोसाइटी को बन के 5 साल हो गए हैं, तो अगर यहाँ पे एक मंदिर भी नहीं है, और आप देखोगे तो मतलब जो अधिकांश लोग यहाँ पे रहते हैं वो हिंदू समाज के हैं, राइट। तो एक छोटा सा हमारा था कि हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, मतलब मेरे को आगे यहाँ पे 2.5 साल हो गए, तो उनको हमको जैसे कि श्रावण का महीना आता है, राइट, पानी डालने के लिए, मतलब उनको भगवान शिव की पूजा करने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा पिंड को वहाँ पे स्थापित कर दिया। तो बाद हमारे जो सोसाइटी में 2-3 लोग हैं जो मतलब प्रेजेंट कमेटी में मेंबर है, जैसे मनोज मौर्य हो गया और रत्नेश मिश्रा हो गए, इसी के साथ बशीर शेख है, और मेन जो है इसके विलन है हमारे त्रिपाठी जी, मतलब उनको बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह बशीर शेख को इसमें इन्वॉल्व किया, और इस मंदिर को तोड़ने में ना बहुत हमको अच्छा नहीं लगा। और बहुत सारे लोग देखोगे, हमने लोगों से सहमति भी ली है इसके ऊपर कि सर ये हम मंदिर बना रहे हैं, छोटा सा बहुत ही कॉर्नर में, आप देख भी सकते हो कि एक छोटा सा एकदम कॉर्नर में है, किसी भी तरह का किसी को डिस्टर्बेंस नहीं है सर। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप हिंदू हो तो आप सपोर्ट करो इस चीज को, हिंदू नहीं भी हो तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हमारी सोसाइटी में जो हिंदू नहीं है, लेकिन उस चीज को सपोर्ट करें, हाँ ऐसा मंदिर होना चाहिए। हमने उनका भी सिग्नेचर, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया है, बट बशीर शेख की सपोर्ट से अब वो क्या रीजन है वो हमको नहीं मालूम, क्यों उसने ये चीज के लिए कंप्लेंट डाला है। तो हम चाहते कि आप हमारी हेल्प करें कि ये प्रॉब्लम ना आए इस चीज के लिए। सभ्यता की एक गलत रास्ता, मतलब गलत यूज होता था यहाँ पे, गलत लोग आते थे, इसके लिए हम लोग विचार था कि भगवान से खड़े हो जाओ, लेकिन ये लोग इतराज करते। क्या कहना चाहते हो आप भैया? हम ये बोलना चाहते हैं कि कॉर्नर का घर हमारा है, हमारी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, यहाँ पे पिक्चर लगता था। अच्छा। और हम लोगों कीचड़ में बैठा के भगवान को पूजा करते थे, हम लोग पैर से परेशान हैं, इसलिए बच्चों ने हमारी परेशानी देख करके मंदिर बनाया, वो लोग बनाने क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो वहाँ वो लोग का जगह भी नहीं है, यहाँ वो लोग आते भी नहीं है, उन लोग से परमिशन भी लेके हम लोग बनाए थे, बिना परमिशन का बनाए भी नहीं थे, फिर भी यहाँ पे हम लोग का जीना हराम हो गया है। अगर बच्चे लोग नहीं होते
तो क्या होता है यही आप हमको बताइए। और मान लो कंचित काल अगर बच्चे नहीं रहेंगे ऐसे ही धाड़ मारेंगे तो हम लोग बहू बेटियों का हम लोग का क्या होगा, अब आप इसी में समझ जाइए बस। क्या नाम है आपका? प्रभात भदौरिया। भदौरिया जी, जब मनपा के कुछ कर्मचारी यहाँ पे तोड़ने के लिए आए थे, आप थे यहाँ पे? हाँ, हम सभी यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, प्रेजेंट थे। क्या उन्होंने आपसे बातचीत की? नहीं, वो जैसे ही मतलब जैसे वो आए थे ना उसी हिसाब से वो तोड़ने के लिए ही आए थे। वो जैसे ही गाड़ी से उतरे उन्होंने सब सामान निकाल लिया था तोड़ने के लिए। क्या सामान निकाला था उन्होंने? जैसे उनके पास हथौड़ा था, वो सब चीजें थी उनके पास तोड़ने के लिए। वो अंदर घुस चुके थे, अंदर घुस चुके थे और उनके साथ में जो थे वो लोग पीछे से चले गए। तो हम लोग ने पूछा आप लोग क्यों आए हैं, तो वो लोग बोले कि हमको कंप्लेन आया, हम लोग मंदिर तोड़ने के लिए आए। जैसी पब्लिक जमा हो गई तो वो लोग डरने लगे। और जब भी हमारे पास बीबीएमसी के कर्मचारी आए उन्होंने सबसे पहले पूछा कि यहाँ के कौन ऑथराइज्ड पर्सन है, उनके लिए उनको बुलाइए। तो जब भी हमने कहा कि वो बंदा अभी प्रेजेंट नहीं है आप, और इस चीज के लिए जिससे कि आप मंदिर तोड़ने के लिए आए हैं तो एटलीस्ट आपको किसी ने बोला होगा या कुछ होगा तो आप उससे कुछ एविडेंस दिखाए। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए हमें कंप्लेन आया हुआ है, हमें आपके सोसाइटी के अंदर से कोई या आपके बाहर से हमें कंप्लेन आया है जिसके वजह से हमें तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपके पास कुछ सपोर्ट है, कुछ है तो आप हमें एविडेंस दिखाइए। तो हमने जैसे ही हमने एविडेंस दिखाया, तो जब हमने एविडेंस दिखाया तो वो लोग बोले नहीं, अगर आपके पास इतने लोगों का सपोर्ट है तो हम लोग इसे तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये आपका इंटरनल सोसाइटी का मैटर है, तो हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आता। आप इंटरनली म्यूचुअली जो भी आप एग्री करिए और उस पर आपको ये मंदिर को तो मतलब कि हिलाने का कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा बोल के उन्होंने फिर हमें सपोर्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि आप हमें जब भी हमने डॉक्यूमेंट दिखाया वो लोग चले गए, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें आपकी तरफ से कंप्लेन आया जिस वजह से कि हमें इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। मेरा नाम भोलेनाथ पांडे है। मनपा की गाड़ी जैसे ही यहाँ तक आई है हम गेट पे खड़े थे, मैं और मेरे दोस्त भदौरिया जी हम गेट पर थे। हम गेट से आए अंदर तो बीएमसी की गाड़ी यहाँ तक आ चुकी थी, इसके पीछे पीछे एक छोटी व्हाइट गाड़ी भी आई। तो मैं और भदौरिया जी हम सब भागकर पीछे से आए। गाड़ी के अंदर मैंने और उन्होंने हम दोनों जन ने देखा कि उसमें बशीर शेख गाड़ी चला रहा था और पीछे मनोज मौर्या बैठे थे। मैंने मौर्या जी को बोला कि मौर्या जी क्या हो रहा है, उतर के देखो। इतना बोलने के बाद मैं वीवीएमसी की गाड़ी के पास आया हूँ और वो गाड़ी 33 नंबर की बिल्डिंग के पास से वापस यू टर्न करके लेकर भाग गए बाहर। जो कि मैंने बोला भी कि ये गाड़ी को रुकाओ, लेकिन वो इतनी स्पीड में गए, अगर उस टाइम अगर कोई लड़का बच्चा भी होता तो उसको उड़ा देते, इतनी स्पीड में कॉलोनी के बाहर गाड़ी लेकर गए। वहीं इस मामले में स्थानीय कुछ महिलाएं जब अरनाला पुलिस स्टेशन मामला दर्ज करवाने गईं, तो आप ही सुनिए पुलिस का कैसा रवैया रहा महिलाओं के साथ। हाँ मैडम बोलिए। हाँ, वेस्टर्न थी, मतलब यहाँ कुछ गलत काम दिख रहे थे हम लोग को। 33 में रहते हम लोग, 34 में, तो वहाँ से हम लोग देखते थे। हम लोग चाहते थे कि ये जगह कोई यूजफुल हो जाए, और इतना कुछ बड़ा मंदिर नहीं बना है जो इनके आँख में आ रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है, और उनके परमिशन से सब कुछ बनवाया तो भी क्यों ये लोग ऐसे पीछे पड़ के मंदिर तोड़वाने के पीछे, वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहे। तो हम लोग सब एक होके यही चाहते कि मंदिर बचे बस। जब ये मामला पुलिस स्टेशन गया तब आप कौन कौन गए थे पुलिस स्टेशन? हम लोग सारी 4-5 लेडीज लोग थे। हाँ अच्छा, क्या पुलिस प्रशासन का इस विषय पर आप सबके साथ क्या रवैया था? मतलब उनका कहना था कि जब तक मर्डर नहीं होता तब तक कंप्लेंट नहीं जाता है। तो बोले इसमें मर्डर की क्या बात हो गई, अगर तोड़ने के बाद तुम लोग आ जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, फिर तो हमारा भी नुकसान और हमारा दिल भी टूट जाएगा, वो भी एक बात है। हाँ तो इसमें क्या, आप अभी उनके सामने तो हम लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनकी तो बात करने की आदत, मतलब बाद में उन्होंने सपोर्ट भी किया हमको, ना नहीं बोल रहे, लेकिन FIR लेने के लिए तैयार नहीं थे। मंदिर टूट गया होता उसके बाद अगर आप आए होते तो हमें कंप्लेन ले भी लेता। आपका मंदिर टूटा नहीं है अभी, है ना? ठीक है, मैं कंप्लेन आप देखते हो, मैं आप लोग चले जाइए, मैं एक्शन लेता हूँ। लेकिन मंदिर तोड़ने का पूरा प्रयास किया था, प्लान किया गया था तीन बार। ये तीसरी बार तो जो गाड़ी आई थी उससे पहले भी ऐसा हो चुका था, पहले दो बार हो चुका है। अच्छा, ये तीसरी बार, उसके पीछे किसका हाथ था? हर बार उनका ही यहाँ था, बशीर शेख और मनोज मौर्या जो यहाँ के सेक्रेटरी, और मनोज मौर्या के भी अगेंस्ट जो उनको चढ़ाने वाले दो कमिटी मेंबर थे, एक विजय कुमार त्रिपाठी और एक रत्नेश मिश्रा थे। इसका घंटे तक अगर आप पुलिस स्टेशन अरनाला पुलिस स्टेशन का कैमरा भी निकालेंगे, एक घंटे तक हमें अंदर एंट्री नहीं दी गई। PI साहब अपने रूम में थे, इवन रीता मैडम भी गई जब वहाँ पे, उनको भी उन्होंने कुछ नहीं किया। एक घंटे तक हम बाहर ही खड़े थे, जब हम अंदर गए उन्होंने हमको एक मैडम ने बताया आपको जो भी हुआ वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप एप्लीकेशन फॉर्म पे लिख के दे दीजिए, और उसके लेकर हम लोग 3 या 3.5 घंटा वहाँ खड़े थे। जब एप्लीकेशन फॉर्म लिख के दिया गया, फिर जब हम लोग ने स्टंप मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर रीता मैडम आई,
तो उन्होंने स्टंप मार के देने के लिए बोला कि तुम लोग को मेरी बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है स्टंप मार के लो, आज के बाद तुम मेरे पास कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता उस चीज में। उन्होंने डायरेक्टली स्ट्रिक्टली मना कर दिया और तुम लोग बोले जाओ चिल्ला के, जबकि वहाँ पे आप हमारी बात तो भरोसा मत कीजिए। अरनाला पुलिस स्टेशन का कैमरा निकाल के चेक कीजिए, हम 4-4.5 घंटा वहाँ पे खड़े थे, आपको पूरी चीज पुलिस स्टेशन के वीडियो में ही दिख जाएगी। वहीं इस मामले में समाज सेवक राहुल सिंह ने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, हम मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। राहुल जी, ये मंदिर तोड़ने का मामला आपके पास किसके द्वारा है? ये मंदिर का जो मामला है ये मेरे पास हमारे एक मित्र जो इसी बिल्डिंग के रहवासी हैं उनके माध्यम से ये मेरे कार्यालय में आया था, और जो कि मैं देख रहा हूँ कि ये पालघर जिले में निरंतर हमारे धर्म को लेकर और हमारे समाज को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें किए जाती हैं, और जिसमें बहुल क्षेत्र जो कि यहाँ के जो मुस्लिम बहुल जो लोग होते हैं जो कि हमारे धर्म को हमेशा आहत करने के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, और इसमें अधिक मात्रा में देखा जाएगा तो यहाँ के सत्ताधारी पार्टी का समावेश होता है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे 3 दशक से यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एक छत्र राज कर रही है, और उनके राज में अब तक सैकड़ों मंदिरें ध्वस्त की जा चुकी हैं। मैं आपको ये इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि यह मामला दोबारा इसी प्रकार अगर उठता रहेगा तो हम जैसे युवा आप लोगों के बीच में कानून प्रशासन और समाज के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं, और समय मिलेगा तो हम सड़कों में भी उतरेंगे इसके लिए। और मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इस बिल्डिंग के मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है चौकी में, प्रशासन में और नगर पालिका में, इसकी आवाज हम बुलंद करेंगे और उसके ऊपर FIR का दर्ज FIR दर्ज करवाएंगे, और फिर FIR के माध्यम से हम लोग उसका रिपोर्ट मांगेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह मंदिर आजीवन यहां पे गिरने नहीं दिया जाएगा, ये चीज मेरा कमिटमेंट है, आप लोग कर सकते हैं। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।